हंसिका मोटवानी की शादी पर बनी सीरीज लव शादी ड्रामा डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। सीरीज में हंसिका ने अपने ऊपर लगे कुछ आरोपों पर सफाई दी है। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का दूसरा सॉन्ग प्यार होता कई बार है रिलीज हो चुका है। फिल्म 8 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी का पहला वीडियो सामने आ गया। इस वीडियो में दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए नजर आए। एक्टर अक्षय कुमार को हाल ही में साउथ सुपरस्टार मोहनलाल के साथ जयपुर में हॉटस्टार ऐप के प्रेसिडेंट के बेटे की शादी में स्पॉट किया गया। अब अक्षय ने इस शादी का एक धमाकेदार वीडियो भी शेयर किया है। संजय दत्त और मान्यता दत्त आज अपनी शादी की 15वीं शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रही हैं। इस स्पेशल डे पर मान्यता ने अपने पति को खास अंदाज में विश किया। कोमल चौटाला यानी कि चित्राक्षी रावत की शादी के बाद चक दे इंडिया गर्ल एक बार फिर से रीयूनाइटेड हुई। दरअसल फिल्म की एक और को स्टार बलबीर कौर यानी कि तान्या अब्रोल 10 फरवरी को शादी के बंधन में बंध गई थी। एक्ट्रेस सारा अली खान का एक वीडियो सामने आया है। अचानक से उनके पास एक फैन आती है जो उनके साथ हाथ मिलाती है और फिर जाते जाते सारा के गले के पास अपना हाथ लेकर चली जाती है। फैन के इस बिहेवियर से सारा अनकंफर्टेबल नजर आई। सुपरस्टार शाहरुख खान की हाल ही में फिल्म पठान के एक इवेंट में ब्लू रिस्ट वॉच पहने हुए देखा गया था। शाहरुख की इस घड़ी की कीमत जानकर हर कोई हैरान है। ये घड़ी इसकी कीमत करीब 4,98,00,000 रुपए बताई जा रही है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के फैंस अपने चाहते स्टार्स की शादी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। फैंस शादी से जुड़ी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए अब बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेलेब्स की शादियों के स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं। कियारा का मंगलसूत्र काफी सिंपल है। इसमें गोल्डन चेन में चारों ओर काले मोती लगे हुए हैं, वहीं बीच में एक बड़ा डायमंड लगा हुआ है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मंगलसूत्र के लिए सिद्धार्थ ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।